और ये आज सेल्फर्ड में किरसल वेटलैंड्स में, आज तारीख क्या है भाई? स्टीव भाई क्या तारीख है आज? सत्ताईस तारीख। और भाई हम खड़े हैं सेल्फर्ड में दिनेश वत्स के साथ, सचिन सिंह भाई इंडिया बिहार से जुड़ते हुए हमारे साथ। और आज बात करेंगे भाई स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के भाई, पूछते रहते हैं दिन, सब पूछते रहते हैं भाई क्वेश्चंस के भाई, अकोमोडेशन को लेकर, यूके आने में कितना खर्चा, कॉलेज में कितना खर्चा, एमएमयू के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एमएमयू में कितना होना चाहिए। तो भाई आज हम बात करते हैं, आज भाई शाम का टाइम रखा है 7 बजे और तारीख को रखा है 26 तारीख हो गई है भाई, आज शनिवार का दिन है। और बढ़िया शाम को आज भाई अभी आया है सचिन, मिलो भाई से, अभी आए अपना इसमें सितंबर इनटेक में आया भाई, सॉरी जनवरी इनटेक में आया भाई, तो अभी कुछ टाइम हुआ है भाई। तो अभी इसने जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्रेशर की तरह भी फेस करी है, तो आज सचिन से बात करते हैं और भाई सारे तुम्हारे आंसर्स का जवाब देते हैं क्या क्या चीज़ें। मैं भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं भाई, मैं भी अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल से 1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो भाई मैं तो देखो यूट्यूब से थोड़ा अवे हूँ कुछ टाइम के लिए, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, पर बाकी तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको मैं बताता हूँ, ठीक है भाई? भाई यहाँ पे ना सबसे पहले ना तीन चीज़ें होती हैं इंडिया से जब आते हैं, मैं तो एक ये तो बताया गया भाई, अकोमोडेशन और जॉब, वो तो दो चीज़ें वो हैं जो आप यहाँ पे आके वो होगा भाई। सबसे पहली तो होती है कॉलेज सिलेक्शन, क्यों भाई? अब फीस बता कितनी है बता? अभी मैनचेस्टर की फीस बहुत हो गई, 19,000 देख लो भाई, हो गई है। मतलब मैंने कहा, मतलब मैंने शायद की थी 14,500 थी इसकी, 15,000 अब भाई 19,000 हो चुकी है आज के टाइम में। तो सोचो अगर फीस इतनी ज़्यादा है, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है भाई। जब मैं आया था तब भाई नेशनल वेज भी शायद 9.5 पाउंड था, अब तो नेशनल वेज 11.5 पाउंड चला 2 साल मैनचेस्टर में आ रहे हो तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन ने तो फीस बहुत ज्यादा कर दिया है, पर सेल्फर्ड में भी आप जा सकते हो, अभी वो तो चेंज हो गया। हां भाई देखो, अब सेल्फर्ड में है और तो बहुत लोग जानते भी हैं, मैं तो शुरू से ही कभी से जब से आया हूं सेल्फर्ड में प्रफुल्ल भी था, जैसे पीछे अपना भाई अली भाई थे, सारे जितने रहते सब सेल्फर्ड में ही रहते हैं भाई शुरू से एमएमयू में। तो भाई एमएमयू में अब फीस ज्यादा भाई, सेल्फर्ड में भी थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी, पर फिर भी सेल्फर्ड कंपैरेटिवली सस्ता है भाई, वो भी आप देख सकते हो अगर तुम्हें पर्टिकुलर मैनचेस्टर में। वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं भाई, देखो ऐसा है कि आप अपने पे अवेलेबिलिटी होती है तो ठीक है भाई। तो भाई तू तो घर तो मिल गया, मैं तो भाई खुद इतने दिन बाद जाके मुझे घर मिला था, मैं तो खुद पहले होटल में रहा था भाई। तो भाई देखो घर की प्रॉब्लम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है तुम आओगे तो घर तो मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर आप इंडिया से बुक करके आओ और बुकिंग चार्ज कुछ नहीं लगता है, सर में आपको लगे बुकिंग चार्ज लगता है, पर आप वो बाद भी पेड कर सकते हो, पर आप बुक कर लो, वीजा लगने के बाद आप उनको पेड कर दो बुकिंग चार्ज, उसके बाद आपका अकोमोडेशन फिक्स हो जाता है। अच्छा भाई जैसे चलो ये ठीक है, और अब बात करते हैं भाई जैसे ना ये क्या नाम है, जैसे अब तुम आए हो 2024 में आए हो, ठीक है? तो 2000 में आया था भाई 2022 में, भाई 2024 में अब एमएमयू में क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा क्या फैसिलिटीज है, कैसा है, थोड़ा बैठ के बात करते हैं भाई। मेरे को भी देखो आज ना करीबन देखो 1.5 साल 1.5 साल के आसपास टाइम हो गया भाई, मैंने तो भाई अब जॉब का फेज देख रहा हूँ, पहले मैंने भाई स्टूडेंट लाइफ का जॉब देखा, भाई जो नया नया युवा दिखता सपनों के सपनों में शहर में, भाई तब अलग दिखता है, पर भाई रियलिटी ऐसी है कि ठंड है तो है, पर बाकी भाई हार्ड वर्क तो उतना ही इतना इंडिया में, उनकी ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है सचिन भाई, अब तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हें जॉब का कैसा, तुम्हें जॉब मिली और तुम भाई कैसे पार्ट टाइम कर रहे हो, वो सब बताओ थोड़ा कैसा चल रहा है, तुमने जॉब हंट भी काफी करी है। मैं जब इधर आया तो न्यूज़पेपर ने बोला कि अपना सीवी लो और हर एक जगह घूम घूम के वॉकिंग जाके दुकान में पूछो, ये शॉप्स पे ये मॉल है, मॉल में जाके। तो मैं गया बहुत जगह, पूछा भी जारा से, अल्टिया इंटरव्यू का मैंने दिया, जारा कह रहा है ये सारा क्लोज वेयर वाली बात है, जारा से। तो मेरे इंटरव्यू कॉल गया, मैंने इंटरव्यू दिया, बट उनने बोला कि आप पार्ट टाइम है तो आपकी आवर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई जॉब नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, सारे इंडियन भाइयों को बोल रहा जा रहा हूँ भाई, पहली बात तो 20 घंटे अलाउड है, ठीक है, इससे ज्यादा काम नहीं करना, 20 घंटे भाई 20 घंटे बहुत है, तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, स्टूडेंट पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करने काम करने आए हो। सबसे पहले तो भाई तुम्हारा मेन फोकस है ना पहले पढ़ाई होना चाहिए, सबको बोलता हूँ भाई, जब मैं करता था ना मैं बहुत कम काम करता था, जब स्टूडेंट था, अब मैं ज्यादा करने लगा, पर पहले नहीं करना भाई, पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। रीजन बताता हूँ उसका क्या है, रीजन ये है कि तुम देखो भाई मास्टर्स डिग्री है वो बहुत क्रूशियल होती है किसी की लाइफ में भी, एक स्टेप होता है ये भी पढ़ाई। और दूसरी चीज तुम्हें सबसे पहले ग्रेजुएट रूट का भी टेक केयर करना भाई, ग्रेजुएट वीजा, कोई ऐसा ऑफ पेरोल मत काम करो, जहाँ भी करना है एनआई पे काम करो, एनआई मतलब जो मैं एनआई नेशनल जॉब जो भी होता है उस पर करना है, ऑफ पेरोल किसी के साथ नहीं करना, कैश इन हैंड वो सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और भाई देखो इंडिया से आ रहे हो ना तो भाई ये मत सोच क्या हो, अभी तू बता अपने एक्सपीरियंस तुझे को दिया था मैंने, इंडिया से आओगे तुम सोचोगे कि इधर आके कि सब जॉब इजी से मिल जाएगा, 20 घंटा मिलेगा, 11 पाउंड 12 पाउंड मिलेगा भाई, आराम से ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं भाई, जॉब इधर ढूंढना बहुत हार्ड होता है। अगर आप इंडिया से मैकडी में काम कर रहे हो, केएफसी में काम कर रहे हो, सब तो वो एक आपके लिए बेनिफिट करेगा यहाँ पे भाई, अगर नॉर्मल स्टोर में कहीं है ना काम
भाई अपना कहीं कर लो काम, थोड़ा बहुत सीख लो, सीख लो हाँ भाई, बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि यहाँ पे आते आते आप जब बोलोगे कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको इधर कोई जॉब नहीं देगा, फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ काम कर रखा हूँ, वहाँ काम कर रखा हूँ। क्योंकि बिना झूठ बोले आपको जॉब नहीं मिलता। मैंने भी अभी आर्क का इंटरव्यू दिया, उधर मैंने झूठ बोला, आर्क में भी हो गया। चलो झूठ तो यार कोई नहीं यार, काम तो देखो यार झूठ का कुछ नहीं होता, उनको भी पता है कोई बच्चा कहाँ से पढ़ के आया, कहाँ से काम कर गया, उनको पता होता है। पर यार भाई इतने सारे बच्चे हैं, अगर 6-7 हजार बच्चों के एडमिशन इंडिया इंडिया से होंगे तो इतने तो दुकानें भी स्टोर भी नहीं इतने यहाँ पे, कहाँ से सबकी नौकरी लगेगी भाई। हाँ तो पर यही है कि जब ढूंढोगे ढूंढोगे। मैंने ढूंढा, एक दो महीने में मेरे को मिल गया, दो जॉब मिल गया, एक आर्क में मिला, एक मिंट में मिला भाई। सच्ची मतलब ये मैं कह रहा सचिन, जैसे ये तो परफेक्ट एग्जांपल है भाई, मेरी तो स्टोरी पुरानी हो गई। मैं तो चलो भाई घूम लिया भाई, अब मैं अब अपनी जॉब के फेज में हूँ भाई, अलग चीज़ें हैं मेरे लिए, अलग टारगेट्स हैं इसके लिए अब आए। तो ये तुम्हें एमएमयू के बारे में बताता है भाई, मैं पहली चीज बात करता हूँ उसके बारे में, सबसे जरूर इंडिया से भाई। देखो इंडिया से आओगे ना तो इंडिया से ना पहले अपना एक बजट बनाओ भाई, सबसे बड़ी जो ये नहीं कि सिर्फ वीजा के लिए मुझे डॉक्यूमेंट के लिए फाइनेंस दिखाने भाई, वो तो एक चीज़ है, पर अपना बजट बनाओ भाई तुम्हें कितना है। पूछते हैं भाई कुछ मुझे बेस्ट कॉलेज बता दो, अगर भाई तुम्हारा सच में पढ़ने का मन है तो तुम ऑफकोर्स भाई अच्छे टॉप 20 कॉलेज उनके लिए ट्राई करो। बट अगर फिर भी नहीं होता है भाई, जॉब्स बहुत है यहाँ पे, जो बंदा यहाँ पे पढ़ लेगा उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं यहाँ पे। इतने सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो भाई, जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है भाई। आप एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, कहाँ से क्या इंडिया इंडिया से कॉलेज में यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन डाले? तो भाई देखो सब भाई वही वाली बात है, इंडिया से तो सभी पूछते हैं भाई, भाई इंडिया से एप्लीकेशन ना कर रहे हैं लोग भाई, कंसल्टेंट से मदद लेना चाहते हो प्रोफेशनल, मैं तो भाई किसी को मना नहीं कर रहा भाई, जिसको तुम्हारे जहाँ पे तुम्हारी संतुष्टि लगे, जहाँ से तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारा वीज़ा लगना चाहिए, वीज़ा लगना चाहिए, अगर एम है आने का तो वीज़ा लगना चाहिए, वो मेन है, कहीं से भी कर लो, खुद करना चाहते तो खुद से भी कर सकते हो। पर भाई ऑफकोर्स मैं ये सबको बोलूँगा भाई कि मैं ये होता है जैसे टॉप वाले कॉलेज होगी ना फीस थोड़ी ज़्यादा है, 30,000-35,000 ऊपर ऊपर है, तो भाई वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें भाई अगर वैसे कॉलेज में जाना है, अगर तुम्हारी मेरिट है तो तुम जा सकते हो, पर इतना जॉब के परस्पेक्टिव में इतना कोई फर्क नहीं आएगा। अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो, मिडिल वाले में जाते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मेरा जो मतलब किसी को सजेशन अगर दूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ सिटी उसमें जाओ, ऐसे शहर में जाओ जहाँ पे अर्बनिस्ट ज़्यादा हो, जैसे मैनचेस्टर, लंदन या इस तरीके के बड़े शहर, या कोई और मान लो कोई चौथा हो, कार्डिफ हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़े शहर में जाओ। बड़े शहर में भाई देखो ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा अर्बन होगा उतने ज़्यादा शॉप्स होंगे, जितने ज़्यादा शॉप होंगे उतना तुम्हारे चांसेस है, उतने ज़्यादा मॉल होंगे उतने चांसेस हैं तुम्हारे जॉब के। क्योंकि भाई देखो डे वन में जो बच्चे को जो स्ट्रगल होता है ना भाई, घर से पैसे मंगाना इज़ अ स्ट्रगल भाई, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है, वो जब तक रहेगा जब तक तुम अच्छी जॉब नहीं ले लोगे। तो बड़ा शहर चूज़ करो, कॉलेज वो चूज़ करो अगर सिर्फ तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा यूके आके तुम एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो पर उसकी फ़ीस ज़्यादा ना हो। अच्छा ही बोलूँगा मैं, सारे कॉलेज यहाँ पे सारे सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता 20 रैंक के बाद, 20 भी क्या उससे पहले ही मैं बोलूँगा, सारे कॉलेज सेम है, कहीं पढ़ लो, बस तुम्हारे पास एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन वैसे होनी चाहिए। तो भाई कॉलेज वो चूज़ करो जो जहाँ पे तुम्हारी फ़ीस कम हो, फीस कम होगी तो तुम्हारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओगे। और भाई एक बजट अगर जितना तुम अगर मान लो 13-14 हज़ार अपने ऊपर फीस के ऊपर लगाओगे ना, तो इतना ही मान के चलो कि तुम्हारे घर पे अकोमोडेशन पे भी लग जाएगा अगर तुम कमा नहीं रहे हो तो। और भाई कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर मैं पार्ट टाइम नौकरी करूंगा तो मैं अपने क्या एक्सपेंसेस चुका लूँ, अब तुम बताओ इसका, तुम ही बताओ भाई मैं क्या बोलूँ। पार्ट टाइम करोगे तो अभी तो महंगाई है भाई, नहीं हो सकता, मतलब हार्ड है क्योंकि 20 आवर हर एक कोई नहीं देता। अगर आपका 20 आवर एग्रीमेंट हो गया तो फिर ठीक है, तब भी क्या है, तब भी क्या 500-600। अभी देखो भाई अकोमोडेशन का यहाँ पे 500-600 का रेट चल रहा है, तो 500-600 कर दे दोगे तो 800 तो कमाओगे तुम टोटल। हाँ, बस 800-900 रह सकते हो और खा सकते हो, बाकी कुछ सेव नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि तुम्हारा इसमें यूनिवर्सिटी का फीस भी निकाल लोगे और पूरा एक साल होगा जब तक, तो नहीं ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि भाई देखो तुम यहाँ पे आए हो, थोड़ा एक लाइफ स्टाइल भी होता है, थोड़ा नॉर्मल तुम घूमोगे भी, ट्रैवल भी करोगे, खाओ पियोगे बाहर जाके भाई, ट्राई भी करोगे नई नई चीज़ें, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, ट्रैवल भी करोगे। हम यूके में ट्रैवल भी बहुत करते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं, कई लोग यूरोप भी जाते हैं, तो भाई उन चीज़ों के लिए पैसा आएगा तो नहीं रिकवर हो पाता है। हाँ ऑफकोर्स तुम अगर 2 साल का PHW पे आ जाओगे तो भाई फिर हो सकता है, फिर तो ऑब्वियसली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई फाइनल फेज में अब आ गए हैं और अब बात करते हैं भाई, अब सचिन का थोड़ा हाथ भाई का ना हाथ थक चुका है, क्योंकि भाई अभी ना थक चुका है। अब बात करते हैं सचिन डिसर्टेशन के बारे में, आपके असाइनमेंट्स के बारे में। भाई असाइनमेंट एक तो बता दिया, जैसे भाई मेरे तो एग्जाम थे, इसके असाइनमेंट बेस्ड है, उसके बारे में बता थोड़ा। तो असाइनमेंट भाई इंडिया में कभी अपन ने असाइनमेंट बनाया नहीं होता है, यहाँ पे आने के बाद आपको पता नहीं कौन सा है, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है उस असाइनमेंट पे, क्योंकि वो ही आपको पास करा सकता है और फेल करा सकता है।
तो असाइनमेंट पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा और फेल होने से क्या होता बताओ? फेल होने से फिर भाई तुम्हारे को पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, देखो डिप्लोमा डिग्री मिलेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा फिर? इंडिया। इंडिया एक घंटे एक साल में तुमको इंडिया जाना पड़ेगा। फिर जो तुम सपना लेकर आया हो कि लोन लेकर आया हो तो लोन चुका देंगे, दो साल में पीएसडब्ल्यू में काम करके जॉब करके, वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मॉरल क्या है? इस बात का मॉरल ये है कि आपका एजुकेशन फीस, आपका डिग्री और आपका पीएचडब्ल्यू तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ तो आप यहाँ पे 20 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं करना, एनआई पे जॉब करना। कैश इन हैंड पे जॉब करोगे तो वो बिल्कुल पैसे नहीं देंगे और आपका स्टडी करना ही नहीं है ना यार, करना ही नहीं है। पहले तो वो इलीगल होता है, पकड़ा गया तो सीधे रिपोर्ट, फिर जो आपको सारे यूनिवर्सिटी। चलो अच्छा, उसके बारे में बात करते हैं। एक ना भाई देखो, ये तो है असाइनमेंट के भाई, मेरे एग्जाम थे, मुझे एग्जाम लिखने पड़े थे, मेरा रिटर्न था, ऑफकोर्स ओपन बुक थे तो हो गया था, पर लेकिन भाई डिपेंड करता है कोर्स तुम्हारा कौन सा है। बट जैसे जो टेक्निकल ज्यादा होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इनमें भाई होता है, इनमें तो रिटर्न पेपर होता है, होना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर भाई जहां बात आती है डिसर्टेशन की, अब भाई मैं कर चुका हूं, ये कर रहा है, अब हम दोनों अपनी अपनी बताते हैं क्या होता है डिसर्टेशन के बारे में। भाई पहली बात तो डिसर्टेशन आपका आधा आधी डिग्री होती है, वो आधी होती है ना। हाँ, कितने क्रेडिट होते हैं उसके? उसके 90 क्रेडिट होते हैं। 180 टोटल होते हैं, 90 क्रेडिट सिर्फ डिसर्टेशन के होते हैं। उसके अंदर एक ईआरपी होती है, जिसे हम प्रपोजल भी कहते हैं, मतलब जो मेथोडोलॉजी हम पहले लिख के देते हैं। भाई उसको ना भाई इतना सीरियसली लो जितना शायद तुम पूरे अपने छः बाकी के असाइनमेंट्स को भी ना लो, मैं कहूँगा भाई। वो अभी तेरा क्या चल रहा है उसको मैं बता, फिर मैं थोड़ा अपना, क्योंकि मैं तो अभी भूल चुका हूं। मेरा भी डिसर्टेशन स्टार्ट, अभी मैं सिर्फ उनको टॉपिक चूज करके दिया हूं, सितंबर में मेरे को सबमिशन करना है, और अभी असाइनमेंट में कर रहा हूं, पर डिसर्टेशन भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया हूं। तो भाई रिसर्च करने में तुमको पूरा ब्लॉग पढ़ना पड़ता है, तुम्हारे जो जो टॉपिक चूज किया उससे रिलेटेड सब जगह मेथोडोलॉजी बनानी पड़ती है, मेथोडोलॉजी बनाना पड़ता है भाई, और तुम्हारा वो सबसे पहले अप्रोच चुनना पड़ता है, अप्रोच कौन सा है भाई, कौन सा अच्छे से बनाओ डिसर्टेशन को, क्योंकि भाई मेजर क्रेडिटर्स के अंदर अपने जो है ना सारी चीजों को इसको प्रॉपर तरीके से करो भाई। अप्रोच चूज करो, क्वालिटेटिव करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव करना चाहते हो, क्लियर होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो सुपरवाइजर तुम्हें हेल्प करेगा भाई, पर सुपरवाइजर सारी हेल्प नहीं कर सकता भाई, अबे तुम्हें अपने खुद से भी बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। और भाई लोगों की हेल्प लो, और भाई टाइम लगाओ थोड़ा भाई रिसर्च में, थोड़ा पढ़ोगे तो पढ़ोगे तो अपने आप से जो कहते हैं ना मेथोडोलॉजी कैसे बनाओ, क्वेश्चन कैसे बनाओ, रिसर्च कैसे, भाई वो सब अपने को ना सिमिलर रिसर्च देख के, गूगल से सर्च करके, और भाई लोग कैसे बना रहे हैं एग्जांपल्स भी यूनि वाले भी देते हैं उनसे देख के, तो भाई बन जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मुश्किल नहीं है। आपको यही होता है कि गूगल स्कॉलर पर जाके आर्टिकल्स पढ़ना, गूगल स्कॉलर भाई आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है, किसी का रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि इसमें कुछ मिसिंग है नहीं है, फिर अपने से ऐड करो। तो भाई यहाँ पे ना यूके में ना रिसर्च का मतलब ये नहीं होता, मतलब यूके का यहाँ पे किसी भी यूनि में पढ़ो तुम, ये नहीं है रिसर्च का मतलब कि तुम भाई जो पहले लिखा है उसी को लिख के ला रहे हो, कुछ नया ऐड करना है उसके अंदर, उस चीज को जो है ट्यूटर सुनते हैं, उस चीज को टीचर्स देखते हैं, ठीक है भाई। तो अपना ध्यान करो भाई डिसर्टेशन पे, और भाई आज के लिए इतना ही, बाकी भाई कोई भी इसके बाद अगर कोई डाउट बचे तो भाई यूट्यूब पे ऐड करे सचिन सिंह, मैं लिख दूंगा भाई, यही करेगा, मेरे पे तो टाइम है नहीं, ठीक है ना। और भाई यूट्यूब में अपना इंस्टाग्राम डाल देता हूँ, उस पर अपना दोनों डालो, जो भी डाउट है लिख दो भाई, सारे बता देंगे, अपना भाई देसी भाई अपने, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट आपके आंसर कर दे। आज के लिए इतना गाइस, कमेंट में जो भी क्वेश्चन होगा लिख देना, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना गाइस, राम राम, टेक केयर, बाय बाय।